ये आप अंदर से ये तो चेक करें जरा। ओहो यार कितनी क्रिस्पी है ये। तो पैटो ऐसी मछली हो तो मैं सिर्फ मछली ही खाऊंगा और वो भी कैप्टन माइक के हाथों की बनी हुई, हमारे कैप्टन माइक लाहौर के लाहौर के कैप्टन माइक। वाह। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़िया तबारक और आज फिर कनाडा की एक क्लाउडी मॉर्निंग है, हल्की हल्की सर्दी हो रही है वरना जनवरी में इससे कहीं ज़्यादा सर्दी होती है। और आज हम जा रहे हैं जुनेद भाई के साथ नायग्रा फॉल्स, क्योंकि कनाडा आए और टोरंटो आए नायग्रा फॉल्स ना जाएँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता। नेचुरल वंडर्स में से एक वंडर है वो और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। स्टे भी हम वहीं करेंगे, खाएं पिएंगे, घूमें फिरेंगे और आपके साथ ये सब कुछ शेयर करेंगे। तो फिर चले। ये बारिश का माहौल हो रहा है और जुनेद भाई ने लगाया हुआ है लग जा गले के ये हंसी रात हो ना हो, माहौल बनाया हुआ है लड़के ने भाई। हाय 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 हाय, दिल में टूटा है क्या? नहीं बता दो, देख रहे हैं सब, हैदराबाद में भी देख रहे हैं सब। नायग्रा पहुंच गए भाई हम, जिस तरह दूसरे इलाके ना मिसिस आगा एजीएक्स ये वो, इसी तरह नायग्रा एक पूरा सिटी है सब कुछ और वहाँ हम पहुंच गए। पहले चेक इन करेंगे और उसके बाद फिर घूमेंगे फिरेंगे भाई। होटल में पेपर वर्क हमने कर लिया है और सामने बिल्कुल मेरे जो है ना वो ये नायग्रा फॉल है, लेकिन अभी फॉग इतनी हो रही है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा। 4 बजे हम रूम में चेक इन करेंगे, 4 बजे चेक इन टाइम है, पेपर वर्क हो गया है, अभी नीचे चल के देखते हैं कुछ नज़र आता है तो, वरना दुआ करें कि कल सनी डे हो और फॉल्स नज़र आ जाए। ओ मौसम बड़ा मज़ेदार हो रहा है, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, पानी के शोर सुनाई दे रहा है। पानी है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा भाई। अरे हाँ है, है, है। अभी करीब चलते हैं। देख के चले। ओ वो रही भाई फॉल्स, व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पूरे पहाड़ के ऊपर ये होटल हमारा बना हुआ है, यहाँ से हम टिकट लेंगे, टिकट लेके हम यहाँ से नीचे जाएंगे, वो चेयर लिफ्ट है ऊपर नीचे आपको छोड़ेगी और फिर वहाँ जाके उसको करीब से देखेंगे। ये भाई $8 का हमने लिया है ऑल डे पास, जितनी बार नीचे जाएं जितनी बार ऊपर आएँ। $7 का जो है वो वन वे है, $8 का ऑल डे है, तो आप $8 का ले लें ताकि आप जितनी बार आना जाना करें वो आप कर सकते हैं। नायग्रा फॉल्स, फॉल्स इंक्लाइन रेलवे, टेबल क्लॉक सेंटर टू द फॉल्स। वाओ पूरा फूड कोर्ट भी है, मॉल भी है, शॉपिंग सेंटर भी है, वो सब कुछ है यहाँ पे भाई। पूरी इन्होंने ये टाइमलाइन बनाई हुई है, देखो उन्होंने कितना प्रिजर्व किया हुआ है अपनी हिस्ट्री को। 1908, 100 साल से भी ज़्यादा पहले जो है ना वो ऐसी मशीनें बना के पावर जनरेट हो रही थी यहाँ कनाडा के अंदर। ये देखो ये हैं चीते, थैंक यू। ये बिल्कुल हम जो है ना वो फॉल्स के पास पहुँच गए हैं और शोर ऐसा आ रहा है लेकिन फॉग बहुत है, वो छार आ रही है पानी की, वैसे ही बूंदाबांदी हो रही है लेकिन ये पानी की जो है ना यहाँ पे आपको ये बोछार आती रहती है, ज़बरदस्त। ये हम पहुँच गए भाई व्यू पे, ओ हो हो, ये है भाई व्यू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो समझ रहा था कि जो है ना वो दूर से नजर आएगा, ये तो बिल्कुल पानी हमारे नीचे और इतने प्रेशर से इतना सारा पानी बह रहा है यार। तकरीबन 4 लेक है, 4 लेक, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ईरी एंड लेक ह्यूरॉन, 4 लेक मिलके ये पानी पूरा मिलके ये नीचे नायग्रा फॉल्स बनी है। ये 12,000 साल पहले ग्लेशियर्स जो है ना वो मेल्ट हुए थे जब ये फॉल्स जो है वो बनी थी और जब ये पानी जो है तो उसी तरह उसी फ्लो से बह जा रहा है। वाटरफॉल्स और भी देखिए, लेकिन दिस इज द क्वीन ऑफ वाटरफॉल्स, मतलब यार
अच्छा भाई, यहाँ से जो है ना वो अमेरिका का बॉर्डर भी लगता है, और 1814 में 1814 में या 4 में यहाँ पे एक वॉर हुई थी जिसमें अमेरिका ने जो है ना वो यहाँ पे हमला किया, और ब्रिटिश और कैनेडियन आर्मी ने मिलके आर्मी अमेरिका के साथ उन्होंने फाइट की, और नायगरा फॉल्स का एक भी पार्ट जो है वो अमेरिका में चला गया था। लेकिन आप ये देखें कि भाई कैनेडियन भी आए हुए, अमेरिकन भी आए हुए, हर कोई यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, यहाँ पे कोई फौजी नहीं खड़े हुए कि भाई यहाँ पे बॉर्डर लगता है अमेरिका का तो यहाँ पे 10 जगह चेकिंग होगी, कोई ऐसा सीन नहीं है भाई, चिल माहौल है। अच्छा भाई, यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है, फॉग बहुत ज़्यादा है, अभी तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, अभी दोपहर हो रही है, हमें भूख लग रही है, हम अभी जाएंगे कुछ खाना वाना खाएंगे, और हमारा पास है, रात में भी इंशाल्लाह आएंगे, और कल होपफुली सनी डे होगा तो कल भी आएंगे, बार बार आपको नायगरा फॉल दिखा के छोड़ेंगे हर मौसम में इंशाल्लाह। अभी खाना खा लेते हैं। कहाँ खाना खाने जा रहे हैं भाई? हम पोटैटो जैकेट जा रहे हैं। पोटैटो जैकेट जा रहे हैं, भाई ने शॉर्ट लिस्ट की हुई है सारी चीज़ें। बंद है यार। ओ, बंद है भाई। नेक्स्ट गाड़ी तो चेक करें आप, लिमोजीन है ना? हाँ। मैं हूँ भाई इस वक्त लिमोजीन के अंदर, और आप देख रहे हैं ये यहाँ पे पूरा एक बार है, वीआईपी सीन, काफ़ी सारी इसकी चीज़ें हैं जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का फुल इसके अंदर भरपूर सीन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, thank you, thank you. Hey, and out of all those millions that you get from YouTube, I'll send you the e-transfer address later. Yeah, yeah, yeah. All right, boys. Take care, boys. भाई थोड़ा सा शॉट बनाने के लिए हम लिमोजीन में बैठ गए थे, आपने जो ओपनिंग में शॉट देखा ना वो थोड़ा ये शशके यहाँ से थे। भाई ये जिस बिल्डिंग में अभी हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं ना, यहाँ पे ये कैसीनो भी है, और ये लिमोजीन वगैरह जो है ये क्लाइंट्स को पिक एंड ड्रॉप भी करती हैं, और कुछ क्लाइंट्स जो हैं ऐसे वो लिमोजीन में भी आते हैं। तो कैसीनो के अंदर हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं भाई, पोटैटो जैकेट से क्लोज का पैरामाउंट मिडिल ईस्टर्न कुजीन है वो ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो हलाल ऑप्शन है उन्हीं की तरफ हमें जाना है, और देखते हैं क्या है वहाँ पे। वन काफ्ता, वन शीश टॉक एंड वन फ्राइज। नो आई थिंक दिस इज शर्मा। Yeah, that's the sad shawarma. ये शीश टॉप, और ये आया हमारा काफ्ता। ये मैं इससे पहले हम ट्राई करेंगे भाई शीश टॉप, थोड़ा सा ये हुम्मस के साथ इन्होंने दिया है। बिस्मिल्लाह। वाह, भूख लग रही है अभी ख़तरनाक। और पैरामाउंट जो है ना ये मतलब चेन है, ये फूड चेन है, ये काफ्ता का, ये है शीश टॉक। काफ्ता के साथ इन्होंने दिया है हुमस, और इसके साथ दिया है इन्होंने योगर्ट, दही, दही नहीं है, गार्लिक, गार्लिक है। गुड, मज़ेदार खाना है। इससे पहले कि जुनेद का खाना ठंडा हो, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और भाई इन्होंने हमें ये बकलावा जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री ला के दिया है, ज़बरदस्त पिस्ते हैं इसके अंदर, ज़बरदस्त था, ट्रेडिशनल मिडिल ईस्टर्न स्वीट। अच्छा, काफ़ी फ्रेश है, मज़ेदार है, हर जगह का अच्छा होता नहीं है ये, लेकिन ये अच्छा है। इधर हमने अभी खाना खाया यार, खाना खा के हम यहाँ पे आए ना भाई, तो यहाँ से आ रहा है ये व्यू, पूरी यहाँ से ज़बरदस्त सा व्यू आ रहा है ये, और वो अमेरिका में नज़र आ रहा है। 1226 रूम नंबर है भाई हमारा। ये देखें भाई, ये हमारा रूम, ये जुनेद भाई, और ये यहाँ से व्यू। फॉग हो रही है, लेकिन ये जो मुझे नेकेड आई से व्यू नज़र आ रहा है ना यहाँ से, अल्लाह करे कल क्लियर हो जाए भाई मौसम, तो ज़रा और अच्छा व्यू आए, लेकिन अभी भी जो है ना अमेजिंग।
चाहिए। कॉफी की जरूरत थी अभी। हाँ पर रिलैक्स हो जाते ना भाई। थोड़ी सी पावर नैप लेके हम आ गए हैं बाहर, और अभी भी जो है ना वो थोड़ा सा फॉग है, लेकिन अच्छी बात ये है कि आज भी यहाँ पे फायरवर्क्स होंगे। जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन है वो मिड जनवरी तक चलती रहती है, कुछ डेज हैं जिसमें फायरवर्क्स होंगे, तो आज हमें फायरवर्क्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम गाड़ी में बैठ के ज़रा डाउन टाउन का चक्कर लगाएंगे, फिर यहाँ वापस आएंगे अपने होटल, नीचे जाएंगे फायरवर्क्स देखेंगे। चलें ये ऊपर लाइट्स लगी हुई है जो नायग्रा फॉल के ऊपर पड़ती है, ये सोर्स है, यहाँ से लाइट्स निकलती है और वो उधर। लाइट शो देखने के बाद वापस हम वहीं आ गए जहाँ से हम नीचे जाएंगे, वो फॉल्स के बाद जहाँ दोपहर में गए थे, क्योंकि अभी शुरू होने वाला है लाइट शो, और उसके बाद जाएंगे डाउनटाउन, वहाँ जाके कुछ खाना पीना खाएंगे। लाइट शो, फायरवर्क्स, लाइट शो तो देख लिया, फायरवर्क्स हैं अभी। लव इज ऑल वी नीड। ये फायरवर्क्स हो गए भाई, सब लोग भी वहाँ खड़े हुए भाई, फायरवर्क्स देख रहे हैं। देख रहे नहीं यार, सुन रहे हैं। सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं भाई। फॉग बहुत थी, फायरवर्क्स तो ज़्यादा नज़र नहीं आया, लेकिन मज़ा बड़ा आया। अब हम आ गए खाना खाने, पोटैटो जैकेट्स जो कि दोपहर में बंद था, ज़रा ये खाते हैं। भाई की रिकमेंडेशन पे आया भाई, ये पोटैटो जैकेट्स हैं। यहाँ पे हमने चिकन वाली जो है ना, चिकन फजीता जैकेट, ये हमने मंगवाई है, क्योंकि चिकन के बारे में आप श्योर हैं। भाई ये पोटैटो जैकेट जो है ना, ये काफ़ी ह्यूज है। एक तो ये कि ये पूरा पोटैटो है, ये इतनी बड़ी पोटैटो जैकेट है, फुल साइज़ किंग साइज़ पोटैटो है विद स्किन, बड़ी क्रिस्पी सी इसकी स्किन है। ओ साथ में ये सैलड है, और ये थोड़ा सा रायता टाइप का सॉस है, और ये चिकन फजीता, और इसके ऊपर इन्होंने ये आई थिंक चीज़ डाला हुआ है श्रेडेड। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये, बड़ी जो है ना वो न्यू स्टाइल का कोई मील है ये, मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया पोटैटो जैकेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी क्रिस्पी स्किन है इसकी, अंदर से जो बॉइल्ड पोटैटो होता है वही है। अभी मैंने पोटैटो खाया अभी, और ये चिकन भाई फुली लोडेड है, ये $24 का है ये, और फुली लोडेड है। पोटैटो तो इसमें कमी है, मोस्टली ये चिकन और चीज़ ही है, साथ में सैलड। पोटैटो जो है ना, ये बड़ा ही मज़ेदार लगा मुझे। भाई पोटैटो जैकेट्स ये एक बड़ा मज़ेदार सा आइटम है, नया आइटम है। इसके जो स्किन बहुत इसकी हार्ड है, क्रिस्पी है, पता नहीं किसका इन्होंने इसको बनाया है। चिकन बहुत सारी है, ये प्लेटर दो लोगों के लिए इनफ है, और जो फजीता चिकन है ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, मैरिनेटेड है, काफ़ी जूसी मज़ेदार सी एक मसाले वाली चिकन है। कैप्सिकम वगैरह भी हैं, टोमेटोज भी हैं, कैरेट भी है इसके अंदर, और जो सैलड है वो पिकल्स के अंदर बना हुआ है, एक वाइट सॉस भी दिया है। ओवरऑल नया टेस्ट है, मज़ेदार है, और चिकन का हमें कंफर्म पता है कि ये चिकन हलाल है, बाकी मीट का पता नहीं है जो दूसरे वह हैं, तो इसलिए चिकन हमने मंगाया। अच्छा मज़ेदार न्यू टेस्ट। हाय वेयर फ्रॉम? पंजाब। इंडिया? इंडिया। किस सिटी से? क्या? कौन से सिटी से? मैं बठिंडा से। बठिंडा? ओके। आप? कराची पाकिस्तान। क्या बन रहा है? ये चिकन शॉर्मा प्लेट। शॉर्मा प्लेट बन रही है। पोटैटो जैकेट्स खा के हम आ गए हैं डाउन टाउन में ज़रा अंदर, और यहाँ आप फेरिस व्हील देखें, यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त जगह है ना ये, यहाँ पे आपको ये अपसाइड डाउन एक घर भी बना हुआ है, यहाँ पे वैक्स म्यूजियम भी है, यहाँ पे एक हॉन्टेड हाउस भी है, यहाँ पे बच्चों के लिए भी इंटरटेनमेंट है, यहाँ पे बड़ों के लिए भी इंटरटेनमेंट है, यहाँ पे कैसीनोज भी हैं, यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त वाइब है यहाँ पे। लेकिन अभी थोड़ा सन्नाटा हो रहा है, हालांकि 10:30 हुआ है, अभी ठंड हो रही है, बारिश भी हो रही है,
ये सीन है, लेकिन लाइट्स देखें आप, रौनक देखें, कलर्स देखें, एनर्जी देखें और वाइब देखें। वाह भाई वाह, क्या बात है। He knows me? Yeah. Yeah? Okay. सत श्री अकाल भाई जान, कैसे हैं भी? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। खैरियत से? मुझे भाई ने बताया, यू नो मी। ऑफ कोर्स, मैं आपका देखा था जो कढ़ाई बॉयज वाला। कढ़ाई बॉयज वाला, ओके ओके। भाई क्या नाम है आपका? हरमन। हरमन, हरमन सिंह? हरमनजीत सिंह। हरमनजीत सिंह भाई, जबरदस्त। कढ़ाई बॉयज के ऊपर भी हमारे पंजाब के भाई थे, लुधियाना के। भाई ये देखे आप, माशाल्लाह यहाँ पे सिक्योरिटी वाले भाई हैं। और आप कौन से शहर से हैं? मैं पटियाला से। पटियाला से, बढ़िया यार, जबरदस्त। और बताएं? बस ठीक है जी, जबरदस्त। दुआ में याद रखे। थैंक यू भाई। क्यों मैन? स्वीट दी हॉन्टेड हाउस। थैंक यू भाई। हम जरा जा रहे हैं हॉन्टेड हाउस के अंदर, तो जरा देखते हैं अंदर हॉन्टेड हाउस में क्या होता है। कदम कदम पे डर लगेगा। हम खुद डराने आए। हम खुद डराने आए बेटा। क्या है? लिटरली। अबे भाई। डर लग रहा है। ऐसे कुछ ही पढ़ ले। चल चल। अबे डरा रहे हैं। मूड आउट भाई, बहुत जबरदस्त बना है यार। होए होए होए। वे वे। तो भूप अंधेरा है भाई, लाइट जलाओ यार। वाकई में हॉन्टेड है यार ये। वे वे। Haunted house exit. Oh. भाई बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। $15 का टिकट था, लेकिन रिकमेंडेड था, मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि वहाँ ज़रूर जाएं। मज़ा आया। और भी बहुत सारी इस तरह के इंटरटेनमेंट्स हैं यहाँ पे, मज़ा आया है। भाई जुनैद भाई जी, वो तो है बिल्कुल। आप पहले आए थे यहाँ पे? जी हाँ, पहले आया था दूसरे वाले में। ये हॉन्टेड हाउस में? या यहाँ पे 3-4 है हॉन्टेड हाउस। अच्छा ओके। सुबह हो गई है भाई, आज एक नया दिन है। और आज हमारी ख्वाहिश थी कि आज जो है ना वो सूरज निकलेगा और हमें बिल्कुल क्लियर व्यू नज़र आएगा, लेकिन आज कल से भी ज़्यादा फॉग है। आप देखें वो बिल्डिंग्स वहाँ पे हैं, टावर्स हैं, वो भी नज़र नहीं आ रही हैं। ये देखें आप, इतनी ज़्यादा फॉग है। लेकिन विंटर्स के अंदर यही होता है। समर में यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे एक केव है जो हमने सोचा था जाएंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं है जाने का, कि जहाँ से जो है ना वो वाटरफॉल हो रही होती है। अब आपको बिल्कुल आप वाटरफॉल के करीब होते हैं। इसके अलावा बोट राइड्स होती है, जिप लाइनिंग वगैरह, बड़ी समर में एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो समर में इंशाल्लाह आके इन्जॉय करेंगे। अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर एक हैमिल्टन में फ़िश एंड चिप्स की बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, उसको ट्राई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आई होप कराची में भी है वैसे। यस हाँ, मज़ेदार है यार, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, ये आई होप जो है ना, यहाँ पे पोर्क भी है, या बेकन भी है, या बीफ एंड लैम वगैरह सब कुछ है, लेकिन ऑब्वियसली वो हलाल नहीं है हमारे लिए। तो हमने जो इनसे पूछा कि भाई ये जो ऑमलेट बनता है ये सेपरेट पैन में बनता है, तो ऑब्वियसली वो सेपरेट पैन में बनता है, वेजिटेबल ऑयल में बनता है। और हमने जो ऑमलेट चूज़ किया है वो है स्पिनच एंड मशरूम, वेजिटेरियन ऑमलेट होता है बेसिकली। साइड है पैनकेक्स है, हैश ब्राउन है, और भी कोई एक चीज़ है। आ गया है हमारा ऑमलेट, और बहुत ही ज़बरदस्त ह्यूज ऑमलेट है ये, मतलब ये दो लोगों के लिए काफ़ी है। इसको मैं पहले हाफ एंड हाफ कर दूँ जुनैद के लिए। ओके, ये आप अंदर से ये तो चेक करें ज़रा। ओह ब्यूटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह। आई होप तो फिर आई होप है ना, जबरदस्त। थैंक यू।
अच्छा भाई, यहाँ नाइग्रा के ऊपर ही ना ये आउटलेट कलेक्शन है जहाँ पे सारे ब्रांड्स जो हैं नाइकी एडिडास वगैरह वगैरह जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन सब की ये आउटलेट्स हैं और ये फैक्ट्री आउटलेट टाइप की है। तो यहाँ प्राइसेस और डील्स वगैरह होती हैं, तो हमने कहा ज़रा आए तो चेक कर लें, कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए तो ले भी लेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी बड़ा सेटअप है भाई, देखें यार ज़रा करके। तो ये एक जूता जो है ना ये पसंद आया मुझे। चलो जी, शूज़ तो ले लिए हमने, कैप भी हमने ले ली है। थैंक यू। ओके भाई, थोड़ी सी शॉपिंग और कर ली हमने एडिडास से। यार इतनी बड़ा ये स्पेस है ना कि सारे के सारे यहाँ पे ब्रांड्स हैं। एडिडास और नाइकी से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं और वो जो चीज़ें मैंने ली हैं वो आप ये समझें कि पाकिस्तान से 50% कम प्राइस में ली हैं, तो काफ़ी फ़ायदा हो गया यहाँ पे आने का। लेकिन दिल चाह रहा है कि बस शॉपिंग ही करता है बंदा, लेकिन जो है ना वो लगेज में इतनी जगह नहीं होगी। और जो लोग पूछते हैं जिया भाई से, जिया भाई आप इतना खाना कैसा खा लेते हैं, यही करते जिया भाई खाना खाते घूमते रहते हैं, घूमते रहते रहते सब आदम हो जाता है। अभी हमें जाना है वो फिश एंड चिप्स खाने, उधर चलते हैं। बारिश भी है, फॉग भी है, सर्दी अपने उरूज पर है। ओके भाई, हम आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, कैप्टन माइक्स फिश एंड चिप्स, और बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। अभी हम अंदर चलते हैं। वालेकुम, हेलो, कैसे? थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बड़ी खुशी हुई आपको देख के। नाउ वेलकम टू कनाडा। थैंक यू जी, थैंक यू। सारों का ताप का चैनल चलता है, उनको जब टी वी लगा के देते हैं तो फिर आपके चैनल या कोई और फूड ब्लॉग्स वगैरह पाकिस्तान के देखते हैं या पाकिस्तान के सीन वगैरह लगा। आप लोग कौन से शहर से हैं? पाकिस्तान लाहौर से। लाहौर से, अरे वाह वाह भाई, ये शाहिद भाई हैं। शाहिद भाई बेसिकली लाहौर से हैं, लाहौर से, और इन्होंने स्पेशली हमें इनवाइट किया। ये जो फिश एंड चिप्स है तो ये वेस्टर्न स्टाइल का फिश एंड चिप्स है, थोड़ा बताइए। बेसिकली ऐसा ब्रिटिश स्टाइल फिश एंड चिप्स है, लोग ज़्यादातर ब्रिटिश में इसको पसंद करते हैं। जबरदस्त। तो ये हैमिल्टन के अंदर हम आए हैं, 40 मिनट्स की ड्राइव है नाइग्रा फॉल से। हलाल फूड अवेलेबल है सारा, और हमने अपने फ्लेवर के मुताबिक भी कुछ डिशेज ऐड की हैं उसके अंदर। उसमें आपको शवारमा मिलेगा, हलाल बर्गर मिलेगा, उसमें आपको जनाब चिकन टिक्का प्लेटर मिलेगा। यानी फिश एंड चिप्स के अलावा अलावा भी हमने मतलब कि वो तो रखा ही है, लेकिन हमने उसके अलावा जो है ना अपने टेस्ट अपने, के अपने, अपने लोगों के लिए भी जरा आइटम्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एपेटाइजर में हमारे पास टेम्पोरा श्रिंप है, हैलोपिनो श्रिंप है, बैटर मशरूम, सो मेनी अदर थिंग्स। I come once a week and I get fish and chips. Okay. And the fish is always, it's nice and fresh. It's crispy, it's really nice. Which fish you like the best? Haddock. Haddock yeah. Fish. So burgers वगैरह भी हैं भाई यहाँ पे। Beef है, ये भी halal. Halal beef. Halal beef. Slaughtered. हाँ हाँ, and slaughtered. जहाँ से हम अपने लिए घर के लिए buy करते हैं वहीं से लेते हैं हम सारा अपना meat जो है। ये है भाई हेड ऑफ फिश एंड चिप्स, और ये है जनाब हैलीबर्ड। अच्छा भाई, बड़ा ज़बरदस्त सा मेन्यू हमारे सामने लगा दिया गया है शाहिद भाई का रेस्टोरेंट कैप्टन माइक्स फिश एंड चिप्स का। और सिर्फ यहाँ पे फिश एंड चिप्स तो है ही, लेकिन यहाँ पे ये लोकल चिकन टिक्का विद राइस और शावरमा और इस टाइप की चीज़ें भी हैं। और सबसे पहले जो है ना वो मैं बिस्मिल्ला करूँगा इन श्रिम्प्स के साथ। ये चेक करें आप, गार्लिक चिली सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त। जैसा इन्होंने कहा था ना, बैटर फिश तो हम ट्राई करेंगे, लेकिन बैटर जो है ना वो बहुत ही लाइट है, लाइट बैटर, और वेजिटेबल ऑयल के अंदर इसको फ्राई किया गया है, तो बहुत हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है। सी फूड का असल मज़ा ही जो है वो लाइट बैटर हो और सॉल्ट हो, सिर्फ नो असल जो टेस्ट है वो उस मीट का है। यस।
ये देखें भाई, अब पूरा ज़बरदस्त सही है हेड ऑफ का फिश फिले। इतनी गर्म हो रही है कि भाप निकल रही है। थोड़ा सा ये पेपर मैं इसके ऊपर डालूंगा हल्का सा। भाई ये मछली हमारे, मेरा नहीं ख्याल कि ये मैंने पहले खाई है। दोनों फिश ऐसी हैं जो मैंने कभी पहले खाई नहीं है। ये ऐसी डेलिकेसीज हैं यहाँ कनाडा की, जो मछलियाँ ये यहीं पे ठंडे मौसम में यहीं की पैदावार है, इधर से आती हैं, इधर से यहीं मिलती हैं। कुछ स्पेन वगैरह से आती है ये, जो हालीबटा है, और अटलांटिक कनाडा से आती है। बहुत टेस्टी है। हेडॉक तो हमने ट्राई कर दी, अब ये जो है ना, ये हैलीबट, ये है ज़रा एक्सपेंसिव डिश। ये फिश जो है ना, वो ख़ास जो शौकीन लोग होते हैं फिश के, वही ये मछली खाते हैं। टेस्ट करते हैं इसका जायका कैसा है। और इसके अंदर भी सिर्फ हल्का सा बैटर है और कुछ भी नहीं है। क्यों जी? वाह, उस मछली से बिल्कुल डिफरेंट जायका है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और मछली खाने में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो ये कि बोन्स नहीं आ रही हो, जो कांटे आते हैं ना, वो बार बार इरिटेटिंग मुझे खाई नहीं जाते। बिल्कुल नहीं। ऐसी मछली हो तो मैं सिर्फ मछली ही खाऊंगा ही। और वो भी कैप्टन माइक्स के हाथों की बनी हुई, हमारे कैप्टन माइक्स लाहौर के लाहौर के कैप्टन माइक्स। वाह, नो डाउट भाई। और तो सारा ये सैलड है, ग्रीक सैलड। दोनों की क्या प्लेटर की प्राइस है? ये जो है ये 1299 की है। ओके, बाकी ये जो है 1599 की है। हेलपिनो श्रिम्प भी ट्राई कर लूँ। हाँ तो हेलपिनो है तो हल्का सा सिराचा भी आ जाए। हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर देगी, हल्का सा ये टच आ गया। हाँ, टच है इसमें हल्का सा। ये भाई थोड़ा सा ये बोनलेस चिकन टिक्का राइस और इसके साथ ये सैलेड, चिकन टिक्का विद राइस। चिकन टिक्का है तो हल्का सा स्पाइसी है, और बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं जो ना वो कनाडा से उठ के दुबई में या लाहौर में पहुंच गया। क्योंकि हाँ, क्योंकि राइस में जो है ना वो थोड़ा सा पुलाव वाला मंदी वाला टच है। वो जो थोड़े गर्म मसाले वगैरह डाल के राइस बनाए जाते हैं वैसा टच है। चिकन जो है वो हमारी स्पाइसी है, और नौजवान नस्ल के लिए यहाँ पे ये बर्गर्स भी बहुत ही आला लग रहा है। मैंने पैटी भी देखी थी। ओहो, ये बर्गर टेस्ट करते हैं। बर्गर में भाई असल चीज़ पैटी ही होती है, और ये देखिए इतनी थिक पैटी है ये, माशाल्लाह। हर सॉस के साथ डिफरेंट मज़ा, और जो मीट का पैटी का जो टेस्ट आया है चीज़ के साथ, जो ऑथेंटिक बीफ बर्गर होता है, बहुत मज़ेदार। आधा बर्गर तो मैं 2 मिनट में खा गया। माशाल्लाह, एवरीथिंग इज़ वेरी डिलिशियस, स्पेशली जो फिश है और ये श्रिम्प्स। जुनेद कैमरे के पीछे बैठा हुआ देख रहा है कि मैं सारे जो है ना टेम्पूरा में ख़त्म किए जा रहा हूँ। जुनेद के लिए नहीं बचेंगे लगता है। भाई बहुत मज़ेदार, बहुत ही आला। अभी जुनेद भाई ने भी खाना खाना है, हम खाना फिनिश करते हैं। वेरी नाइस भाई, सारा खाना माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है। लेकिन अगर आप फ़िश एंड चिप्स खाने के लिए ख़ास तौर पे आ रहे हैं ना, तो ये हैलीबट जो है ये ख़ास तौर पे मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, और साथ में ये प्रॉन टेम्पूरा। वाह 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 वाह। ओके भाई, तो इसी मज़ेदार से सी फूड के साथ, मज़ेदार से खाने के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम हुआ। उम्मीद है कि आपको ये नायग्रा फॉल का पूरा ट्रिप और ये मज़ेदार सा खाना पसंद आया होगा। हैमिल्टन में आइए, मज़ेदार फिश एंड चिप्स इन्जॉय कीजिए, साथ में देसी खाने भी इन्जॉय कीजिए। आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।